हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपका एक्सरसाइज केपी सिंह बुक से लिया गया है। ठीक है, आपकी बुक में टोटल 89 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको वन बाय वन करके डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है रीजनिंग के इस पार्ट में, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में, तब आप उसको कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को अगर आपको पसंद आती है वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है ब्रदर। ठीक है, यदि ब्रदर की कोडिंग GWTYMJU है, ठीक है, देन स्कूल की, तब स्कूल की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ब्रदर की कोडिंग GMTYMJU है तो स्कूल की कोडिंग क्या होगी। तो आपको क्या करना होता है, जो भी वैल्यू गिवेन है आपको उनका रिलेशन देखना है। ठीक है, जैसे ब्रदर का और GWTYMJU का रिलेशन क्या है। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ABCD लिखना है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग की होती है, क्वेश्चंस होते हैं या क्लास होती है, तब आपको ये चीजें पहले से ही नोट करनी है। तो आपने क्या करना है, आपको ABCD ऐसे लिख लेना है। अब देखो B की कोडिंग क्या होती है, तो आपको पता है B की कोडिंग होती है 2, और R की कोडिंग होती है 18, O की कोडिंग होती है 15, T की कोडिंग देखेंगे तो T की कोडिंग होगी 20, H की कोडिंग 8, E की कोडिंग 5 और R की कोडिंग होगी 18। ठीक है, ये हो गई, पहले इनकी कोडिंग वैल्यू लिख दो। फिर J की देखो 7, W की 23, T की होगी 20, Y की 25 एंड M की 13, J की 10 एंड U की 21। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग को लिखना है इस तरीके से, फिर आप देखिए कैसे इस चीज का रिलेशंस बन रहा है इनके बीच में। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इनके बीच का रिलेशन देखना है। जैसे आप देखोगे बी से प्लस फाइव करोगे आप, तब आपको 7 मिलेगा। बी से 2 से प्लस 7 प्लस 5 करेंगे तो 2 प्लस 5 क्या हुआ, 7 हुआ। आर से आप देखोगे तो आर में 18 प्लस 5 23 हुआ। ठीक है, फिर 15 में देखोगे 15 में 5 जोड़ोगे तब आपको 20 मिलेगा। 20 में 5 ऐड करोगे तो 25 मिलेगा। 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा। 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा और R में 5 ऐड करेंगे तो 21 मिलेगा। ठीक है, ओके, R 23 मिलेगा ना आपको। हाँ, क्वेश्चंस में यहाँ W है, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ये W है, तो यहाँ आपको 23 मिल जाएगा जब 18 में 5 आप ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पहला आपको गिवन है उनके बीच का रिलेशन है कि सब वैल्यूज को क्या करना है, 5 से हम फॉरवर्ड कर दें, यानी 5 वैल्यू आगे शिफ्ट कर दें, 5 लेटर आगे शिफ्ट कर दें। तो सेम आपको अप्लाई करना स्कूल के लिए। ठीक है, देन स्कूल को आप लिखेंगे SCHOOL। ठीक है, स्कूल की कोडिंग क्या होती है, एस की होगी 19, सी की होगी 3, एच की होगी 8, ओ की होगी 15 एंड 15 और एल की होगी 12। ठीक है, अब सब की वैल्यू ऐड करके लिखनी है। 19 प्लस 5 आपको लिखना है तो 19 में 5 ऐड करेंगे तो आपको 24 मिलेगा और 24 किसका होता है, एक्स का होता है। ठीक है, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा और 8 की वैल्यू एच होता है। ठीक है, H में 8 ऐड करेंगे यानी कि 8 में 5 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 5 13 हो गया और 13 का होता है M। 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 होगा और 20 का होता है T। फिर से 15 में 5 ऐड किया 20, 20 का T हो गया। 12 में 5 ऐड किया तो 17 मिला और 17 का होता है Q। यानी कि स्कूल की कोडिंग क्या हो जाएगी, XHMTTQ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा XHMTTQ। तो आप इसे नोट कर लें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पर देखो, फ्रेम की कोडिंग है OUGVH। ठीक है, और
स्टोनी की कोडिंग है IVU XU, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है RESTS, रेस्ट का क्या होगी कोडिंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ओके, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबकी कोडिंग लिखनी है। तो F की कोडिंग देखोगे 6 होती है, R की कोडिंग होगी 18, A की कोडिंग होगी 1, M की कोडिंग होगी 13, E की कोडिंग होगी 5। सेम आपको लिखना है इस साइड वैल्यू। O की होगी 15 और U की 21, G की होगी 7, V की होगी 22 और H की वैल्यू होगी 8। ये कोडिंग लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू देखो, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही सीक्वेंस का एक ही साइड से मिले, हमेशा हम फर्स्ट से स्टार्ट करें। तब आप देखोगे 6 प्लस 2 आपने क्या मिला, आपको 8 मिल गया। 18 प्लस 4 आपको क्या मिल गया, 22 मिल गया। 1 प्लस 6 आपको 7 मिल गया। 13 प्लस 8 आपको 21 मिल गया और 5 प्लस 10 आपको 15 मिल गया। तो आप एक तरफ से देखेंगे तो आपने 2, 4, 6, 8, 10 की वैल्यू ऐड करते गए हैं, यानी कि F को 2 शिफ्ट किया तो लास्ट वाली वैल्यू मिली, ठीक है। R को 4 शिफ्ट किया तो V की वैल्यू मिली, फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन बन रहा है। तो यहां पर भी देख लेते हैं, S का 19 होगा, T का 20 होगा, O का 15 होगा और N का 14 होगा, Y का 25 होगा, ठीक है। I का होगा आपका 9 और V का 22 और U का हो जाएगा 21, X का होगा 24 और U का हो जाएगा 21, ठीक है। अब यहां पर देखो ये रिलेशन सेम अप्लाई करो, 19 प्लस 2 21 हुआ, 20 प्लस 4 24 हुआ, 15 प्लस 6 21 हुआ, 14 प्लस 8 22 हुआ और 25 प्लस 10 आपको जाकर मिलेगा 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहां पर भी 2, 4, 6, 8 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सेम यही रिलेशन हम यहां पर भी तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 को +2 शिफ्ट करना है, यानी कि R कितना है, R की कोडिंग होगी 18, E की कोडिंग होगी 5, T की कोडिंग होगी 20 और S की कोडिंग होगी 19, ठीक है। 8 में आप +2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20, और 20 किसकी कोडिंग होती है, T की कोडिंग होती है। फिर आपने E में ऐड करना है 4, यानी कि 5 में ऐड करना है 4, तो क्या मिलेगा, 9 और 9 की कोडिंग होती है I। देन आपको 6 ऐड करना है, 19 में 6 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 25, ठीक है। और 25 किसकी कोडिंग होती है, वाई की, तब यहां पर आप लिखेंगे वाई। यहां पर आपने ऐड करना है 8, ठीक है। तो जब आप 20 में 8 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 28 और यहां पर 26 तक की वैल्यू होती है, तो फिर आप एक और आगे जाएंगे 27, 28, तब आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, बी मिलेगा। नेक्स्ट आपको 19 में 10 ऐड करना है तो क्या होगा, 29 और 26 तक ही वैल्यू होती है, तो आप और आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 29 के लिए 27, 28, 29, यानी कि आपको सी मिल जाएगा। तो इस तरीके से रेस्ट की कोडिंग हो जाएगी CBYIT, ठीक है। CBYIT आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, समझ आ गया है आपको ये सिक्वेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका स्क्रीन पर देखेंगे, यदि बैंगड BANGED बैंगड की कोडिंग JJKQCC है, ठीक है। टिल्ट की कोडिंग XXOKU है, तो स्ट्रे की कोडिंग क्या होगी, स्ट्रे की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। तब आपने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आए तो आपको फिर से इनके बीच का रिलेशंस देखना है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे आप, बी फर्स्ट का लास्ट से देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ, बी प्लस एक वन का इंक्रीमेंट हुआ, है ना। ए से कितना हुआ, 2 का इंक्रीमेंट हुआ, तब सी मिला इसको। एन से क्यू पर आप देखेंगे, एन से क्यू पर, तो एन से क्यू पर इसका, एन पे 14 होता है, 14 प्लस 3 17 होता है, तो 3 की इंक्रीमेंट। जी से के पर जाएंगे, तो जी से के पर जाएंगे तो जी की वैल्यू 7 होती है और 7, 4, 11 होता है, यानी कि 4 का इंक्रीमेंट हुआ। ई का 5 होता है और 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा,
यानी कि प्लस 5 हुआ, और डी में 6 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा जे। तो इस तरीके से आप देखोगे लास्ट से 1 2 3 4 5 6 की कोडिंग चल रही है। सेम यहां पर भी देखो, टी में प्लस 1 ऐड करोगे तो यू मिलेगा, ठीक है, आई में प्लस 2 ऐड करोगे तो के मिलेगा, एल में प्लस 3 शिफ्ट होगे तो ओ मिलेगा, टी में प्लस 4 शिफ्ट करोगे तो एक्स मिलेगा, एस में प्लस 5 शिफ्ट करोगे तो एक्स मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो सेम यहाँ पर भी आपको स्ट्रे की कोडिंग यही लिखनी है, एस को प्लस 1 आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो जब हम एस को प्लस 1 आगे बढ़ाएंगे तो एस की वैल्यू, एस के बाद क्या आएगी, टी मिलेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे टी, ठीक है। फिर टी को आपने प्लस 2 बढ़ाना है, ठीक है। जब आप टी को प्लस 2 बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा वी। आर को प्लस 3 बढ़ाना है, तो जब R को आप 3 बढ़ाएंगे तो R की होती है कोडिंग 18, 18 में 3 आप ऐड करेंगे तो हो जाएगी 21, और यहाँ पर 21 की कोडिंग U होती है। A में प्लस 4 ऐड करेंगे तो 1 होता है A का, 4 ऐड किया तो आपको 5 मिल गया, यानी कि E की कोडिंग हो गई। और Y में प्लस 5 ऐड करेंगे तो Y का होता है 25, और 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा, ठीक है। तो 30 तो होता नहीं इसमें, तो 5 शिफ्ट करो तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि D आ जाएगा। तो इस ट्रे की कोडिंग हो जाएगी DEUVT, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा DEUVT, ठीक है। तो समझ आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका सोल्यूशन था ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, लास्ट में आप बाद में कर सकते हैं घर से, ठीक है, आपको एक बार समझना है फिर आप इसको फिर से ट्राई कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखेंगे। जी आर ए वी वाई एस की कोडिंग है डी यू जे वी वी वाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। BUTLTS की कोडिंग है WXEVEVWO, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है स्प्रेड की कोडिंग क्या होगी, स्प्रेड की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। तब आप इनके बीच का रिलेशन बनाए तो अब आप इसको देखेंगे, तो इसको क्या करना है, आपने इसके नीचे पुट करिए DUJVVY, ठीक है, यहाँ की जगह आप इसको इसके नीचे लिखें। तो अब यहाँ पर जब रिलेशन बनाएंगे तो देखेंगे G से 3 आगे शिफ्ट होगा, G की वैल्यू 7 होती है और J की वैल्यू 10 होती है, तो प्लस 3 करेंगे तो आपको J मिल जाएगा। फिर R को आप प्लस 3 करेंगे तो आपको R 18 होता है और प्लस 3 करेंगे तो 21, और A को प्लस 3 करेंगे तो आपको D मिल जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर B को प्लस 3 करेंगे तो Y मिलेगा, Y को प्लस 3 करेंगे तो B मिलेगा, और S को प्लस 3 करेंगे तो V मिलेगा। सेम यहां पर भी यही अप्लाई करके देख लेते हैं, इसकी कोडिंग है WXEVWO, ठीक है। तो इसको भी चेंज करो, देखो T की कोडिंग होती है 20, और 20 में 3 ऐड करते हैं तो 23 आता है, यानी कि प्लस 3, U में प्लस 3 और V में प्लस 3 तो मिल गया E। सेम यहां पर L में प्लस 3 करेंगे तो O मिलेगा, T में प्लस 3 करेंगे W मिलेगा, S में प्लस 3 करेंगे तो B मिलेगा। अब आपको स्प्रेड का करना है, स्प्रेड क्लियर, S का प्लस 3 लिखना है, तो S की वैल्यू होती है 19 में प्लस 3 करेंगे तो 22 मिलेगा, तो आपको यहाँ पर प्लस 3 करने पर V मिल जाएगा, ठीक है। सेम P को प्लस 3 करो तो P का होता है 16, और 16 में प्लस 3 करेंगे तो मिलेगा हमको 19, और 19 की वैल्यू होती है S। R की कोडिंग होती है 18, और 18 में प्लस 3 करेंगे तो 21 मिलेगा, और 21 का हो जाएगा U। सेम यहां पर करो, E का होता है 5 में 3 ऐड किया तो 8 मिल गया, और 8 की कोडिंग होती है H। A में प्लस 3 किया तो 4 मिल गया, और 4 की कोडिंग होती है D, और D की 4 होती है कोडिंग, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, और 7 की कोडिंग होती है G। तो स्प्रेड की कोडिंग मिल जाएगी USVGDH, ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा USBGDH, ठीक है। तो नोट कर लें आप इसको, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, जैस्मीन। ठीक है, जैस्मीन की कोडिंग है TKCWXXO, SXO। तो लोटस की कोडिंग क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो जे से जे की कोडिंग कितनी है, जे की कोडिंग है 10। तो सबसे पहले कोडिंग लिख लोगे तब आपको आसानी होगी। एस की कोडिंग हो जाएगी 19, एम की 13, आई की 9, एन की 14, ई की 5। ठीक है, और टी की हो जाएगी 20, के की हो जाएगी 11, सी की 3, डब्ल्यू की हो जाएगी 23, एस की हो जाएगी 19, एक्स की हो जाएगी 24 और ओ की हो जाएगी 50। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इंक्रीमेंट दिख रहा है, देखो सेम मुझे दिख रहा है 10 प्लस 10 20 हुआ, यानी कि इसमें देखो प्लस 10 का इंक्रीमेंट हुआ। ए से इधर गया 1 में, प्लस 10 किया तो 11 मिल गया। 19 में प्लस 10 करोगे तब ये 3 पर पहुंच जाएगा वापस। एम में प्लस 3 करोगे तो 23 मिलेगा। आई में 9 में प्लस 10 करेंगे तो 19 मिलेगा। 14 में प्लस 10 करेंगे तो 24 मिलेगा। 5 में प्लस 10 करेंगे तो 15 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या करना है, लेटर को 10 शिफ्ट कर देना है। तो एल की कोडिंग क्या होती है 12, ओ की कोडिंग होती है 15, टी की कोडिंग होती है 20, यू की कोडिंग 21, एस की कोडिंग 19। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 12 में 10 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 22, और 22 की कोडिंग क्या होती है वी होती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वी। 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25, और 25 की कोडिंग होती है वाई। 20 में प्लस 10 ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा, और यहाँ पर 26 तक ही होता है, यानी कि प्लस आपको और चार आगे जाना है, 27, 28, 29, 30, यानी कि डी मिल जाएगा। 21 में प्लस 10 ऐड करेंगे तो 31 मिलेगा, तो 26 के बाद आगे काउंट करिए, 27, 28, 29, 30, 31, तो आपको ई मिल जाएगा। 19 में प्लस 10 ऐड करेंगे तो 29 मिलेगा, 26 है यहाँ पर, 27, 28, 29, तो आपको क्या मिल जाएगा सी मिल जाएगा। तो आपका लोटस की कोडिंग आ जाएगी वी वाई डी ई सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन्हें करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन था, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। जब हम इसकी कोडिंग इसके ऊपर लिख देते हैं तो बहुत आसानी से हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर अब कौन सी टेक्निक अप्लाई हो सकती है। ठीक है, रेंज RANGE, रेंज की कोडिंग इन्होंने लिखी है FIQEW, ARAGE, अरेज की कोडिंग FIDBF लिखी है। फिर पूछा है प्रैंक की कोडिंग क्या होगी, सिंपल सा ही है, आर की कोडिंग सबसे पहले अप्लाई करो, आर की 18, 1, 14, ठीक है, एन की 14 हो गई, और जी की 7 हो गई, ई की 5 हो गई। एफ में देखो तो एफ की हो जाएगी 6, 9 और 17, 5, 23। ए की हो जाएगी 1, 18, 1, 7, 5, ठीक है, और एफ की हो जाएगी 6, आई की हो जाएगी 9, डी की हो जाएगी 4, बी की हो जाएगी 22 और एफ की हो जाएगी 6। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोडिंग लिख लेनी है। तो देखो इसमें कुछ हो रहा है क्या, अगर हम 5 प्लस 1 करते हैं तब आपको क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा, 7 प्लस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 9 मिलेगा, 14 प्लस 3 करेंगे तो 17 मिलेगा। ठीक है, 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 मिलेगा, और 18 प्लस 5 करेंगे तो 23 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे लास्ट वाले से प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 को फॉलो कर रहा है, यहां पर भी 5 प्लस 1 किया तब 6 मिला, प्लस 2 किया 7 में तो 9 मिला, प्लस 3 किया तो 4 मिल गया, प्लस 4 किया तो 18 में 22 मिल गया, ए में प्लस 5 किया तो 6 मिल गया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही अप्लाई करते हैं टेक्निक, है ना। पी की कोडिंग क्या है, पी की है 16, आर की है 18, ए की है 1, एन की है 14 और के की है 11। सिंपल सा, 11 प्लस 1 क्या होगा 12, तो 12 की कोडिंग क्या होती है एल।
14 प्लस 2 करेंगे तो 16, और 16 की कोडिंग होती है P। 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 होगा, और 4 की कोडिंग होगी D। ठीक है, 18 प्लस 4 करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 की कोडिंग होगी V। और 16 प्लस 5 करेंगे तो 21, और 21 की कोडिंग होगी U। तो प्रैंक की कोडिंग हो जाएगी LPDVU, LPDVU राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन में LPDVU आपका राइट आंसर है। तो आपको देखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इजी मेथड कैसे आपको समझ आएगा कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सी टेक्निक यहाँ पर यूज होगी। सबसे पहले आपने उसके ऊपर कोडिंग लिखनी है, ठीक है, नीचे कोडिंग लिखनी है, तब आपको आसानी से बहुत जल्द रिलेशन दिखेगा कि कहाँ पर प्लस वन हो रहा है, कहाँ पर प्लस फाइव हो रहा है, वो आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन था। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 ही था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ADVENTURE एडवेंचर। एडवेंचर की कोडिंग दी हुई है JCJZYSSD। तो आपसे पूछा गया है ANTMONY की कोडिंग क्या होगी। सॉरी 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 गलत हो गया ये। फिर से क्वेश्चन नंबर देखो। एडवेंचर की कोडिंग है BFYISZVAN। तो आपसे पूछा गया है कंट्री की कोडिंग क्या होगी, है ना। क्वेश्चन ये है आपका, आई थिंक क्वेश्चन यही है। ओके, हाँ यही क्वेश्चन है ना। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा, सबसे पहले कोडिंग कर दो 1 4, और V का हो जाएगा 22 5 14 20 और 21 18 एंड 5। ठीक है, 2 हो गया, 6 हो गया, 25 हो गया, 9 हो गया, 19 हो गया, 26 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया और 14 हो गया। कोई रिलेशन बन रहा है, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 2 6, 22 प्लस 3 25, 5 प्लस 4 9, 14 प्लस 5 19, 20 प्लस 6 26, 21 प्लस 7 2 पर पहुंच जाएगा, 18 प्लस 8 ए पर आ जाएगा, और 5 प्लस 9 14, तो आपको एन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा 1 2 3 प्लस ऐसे ऐड करते चल रहे हैं। तो सी की कोडिंग क्या होती है, आप सबको पता है 3 होती है, ओ की कोडिंग होती है 15, यू की कोडिंग 21, एन की 14, टी की 20, आर की 18 और वाई की 25। सबसे पहले प्लस 1 करेंगे, फिर 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये ऐड करना है आपने। तो जब 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, तो 4 की कोडिंग होगी डी। 15 में प्लस 2 ऐड करेंगे 17, और 17 की कोडिंग होती है क्यू। 21 में 3 24, 24 की कोडिंग होगी एक्स। 14 में 4 ऐड करेंगे 18, 18 की कोडिंग होती है आर। 18 में 5 नहीं 20 में 5 ऐड करेंगे 25, और 25 की कोडिंग होती है वाई। 18 में 6 ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24, और 24 की कोडिंग होती है एक्स। 25 में 7 ऐड करेंगे तो 26 प्लस 6 और जाएंगे तो एफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी कोडिंग हो जाएगी डी क्यू एक्स आर वाई एक्स एफ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी क्यू एक्स आर वाई एक्स एफ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जब भी 26 से ज्यादा आ जाता है ना, तो आपने क्या करना होता है, फिर उसके बाद 27, 28, 29 ऐसे करके आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाइड्रोजन की कोडिंग है JCJZYSSD। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है एंटीमोनी की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देखेंगे, एंटीमोनी की कोडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले सबकी कोडिंग कर दो, 8 25 4 18 और 15
और जी की हो जाएगी 7, 5, 14, ठीक है। जे की होगी आपकी 10, 3, 10, 26, 25 और 19, 19 और 4, कुछ दिख रहा है आपने? एट में प्लस टू किया तो 10 आ गया, है ना। तो ए में प्लस टू करोगे तो 1 के अकॉर्डिंग, 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सॉरी सी 25, ठीक है। तो 25 में आपने क्या ऐड किया तो आपको सी मिला। तो अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 26, 27, 28, 29, है ना, तो हमको सी मिल जाएगा। तो प्लस 4 करो, 4 में 6 किया तब 10 मिला, 18 में ऐड किया 26 मिला, 5 में 10 किया 25 मिला, 7 में 12 किया 19 मिला, 5 में 14 किया तो 19 मिला, 14 में 16 किया तो 30 मिल गया, और 30 की कोडिंग हो गई 4 यानी कि डी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। सबकी कोडिंग लिखो, एन की होती है 14, टी की 20, आई की हो गई 9, एम की हो गई 13, ओ की हो गई 15, एन की 14 और वाई की 25। अब अगर हम 14 में 4 ऐड करते हैं तो 18 होगा और 18 की कोडिंग होगी आर। 20 में 6 ऐड करते हैं तो 26 और 26 की कोडिंग होगी जेड। 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17 और 17 की कोडिंग होती है क्यू। 13 में 10 ऐड करेंगे 23 और 23 की कोडिंग होगी डब्ल्यू। 15 में 12 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 27, 27 की कोडिंग हो गई ए। 14 में 14 ऐड करेंगे 28 और 28 की कोडिंग हो गई बी। 25 में 16 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपको प्लस 15 यानी कि प्लस 1 दे देंगे तो पूरा 26 हो जाएगा, बचेगा क्या 15, और 15 की कोडिंग क्या होती है, ओ होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए वी ओ, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन आपको जैसे गिवेन है, मैं आपको एक इसमें बताती हूँ कि किस तरीके से आपको ऑप्शन के इलिमिनेट करना, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि कैसे करना है। तो आप देखेंगे इसको, जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो 8 का आंसर आ रहा है सी, सी से स्टार्ट हुआ। जब हमने पहले को ही देख लिया था कि सी से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन सी और डी तो इसका ऑटोमेटिक कट हो गया, ठीक है। इस तरह होता है एलिमिनेशन मेथड। तो आपने क्या करना है, आपने देखा कि सी और डी तो कट हो गया तो बचा क्या, ए और बी बचा। ए और बी में भी आपने देखा कि सी के बाद दूसरा नंबर डिफरेंट है डायरेक्टली, एक में पी है एक में आर है, तो आपने देखा यहाँ आर आ रहा है तो आपने बी को टिक कर दिया। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। अभी मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से एलिमिनेट करना है, बट हाँ आपको कैसे करना है एलिमिनेट ये आपको अब समझा दिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले दो की कोडिंग निकाल लेनी है और पहले दो वैल्यू की कोडिंग, पहले दो लेटर की कोडिंग को आपको ऑप्शन में मैच कराना है, जिसमें मिल जाता है, अगर मिल जाता है किसी एक में तो वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप एलिमिनेट करके ऑप्शन दे सकते हैं और जल्दी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर फेथ, एफ ए टी आई एच, फेथ की कोडिंग है केल्वी, ठीक है। तो क्लाउड की कोडिंग क्या होगी ना, तो क्लाउड की कोडिंग क्या होगी, आई थिंक यही क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। तो ये आपको देखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोडिंग लिखना है फिर से 6, 1, 9, 20 और 8, ठीक है। यहां पर करेंगे 11, 5 और 12, 22 एंड 9, ठीक है। तो यहां पर क्लाउड की भी लिख लेते हैं, सी की होगी 3, एल की होगी 12, ओ की होगी 15, यू की होगी 21 और डी की होगी 4, ठीक है। अब कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, ओके दिख गया। 8 + 1 क्या किया हमने, 9 किया, 8 + 1 9 हुआ। 20 + 2 क्या हुआ, 22 हुआ। 9 + 3 12 हो गया। 1 + 4 5 हो गया और 6 + 5 11 हो गया, ठीक है। यानी कि लास्ट वाले से शुरू करना है, लास्ट का लास्ट में, ठीक है। तो डी में प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5, और 5 की किसकी वैल्यू होती है, ई की।
टू ऐड करो 21 में तो कितना होगा 23, 23 किसकी वैल्यू होती है डब्ल्यू की, तो यहाँ लिखोगे डब्ल्यू। 15 में आपने ऐड करना है 3, ठीक है, और 15 प्लस 3 कितना हुआ 18, और 18 किसकी वैल्यू होती है आर की। 12 में ऐड करेंगे 4 मिलेगा 16, और 16 होता है पी की, और सी यानी कि 3, 3 में ऐड करेंगे 5 और ये होती है 8 की, और 8 होती है एच की कोडिंग, तो क्लाउड की कोडिंग हो जाएगी एच पी आर डब्ल्यू ई। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा एच पी आर डब्ल्यू ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका राइट आंसर हो गया, एच पी आर डब्ल्यू ई राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसमें भी अगर हम एलिमिनेशन की बात करते हैं तो आप किस तरीके से इसको एलिमिनेट करेंगे, तो बहुत ही आसान है, बता सकते हो आप खुद ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, तो सब में एच आ रहा है, है ना, तो सब में एच आ रहा है, तो आपने दो तक की कोडिंग निकाली एच पी, ठीक है, एचपी निकाल ली, तो तीनों में ही एचपी आ रहा है, पहला तो कट गया, पहला एच ई है तो वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो एच पी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आर है, तो आर किस में है, एच पी आर किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो सीधे सीधे आपका अलग दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। बट कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, आप फटाफट निकाल लेते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है, अगर आपने एबीसीडी लिख लिया आसानी से, उसकी कोडिंग कर दिया, बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी निकल जाता है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्वेश्चन नंबर 10 है, एम ओ बी आई एल ई मोबाइल की कोडिंग है जेड सी एम एस यू एम, ठीक है, तो टी यू एम ओ आर की कोडिंग क्या होगी, तो सिंपल सा है, एम की हो जाएगी 13, 15, 2, 9, 12, 5, ठीक है, 26, 3, 13, और एस की होती है आपकी 19, यू की 21, और एम की 13। कुछ दिख रहा है 13, ओके सर, यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन मैंने गलत ड्रॉप किया है, ओके यहाँ ए है, क्वेश्चन में यहाँ पर ए है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, ओके तो जब हम 13 + 13 कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 26 मिल रहा है, उसके बाद 15 + 12 करेंगे तो क्या मिलेगा 27, और 27 में से 26 निकाल दो तो क्या बचा 1, और 1 किसकी कोडिंग होती है ए की कोडिंग होती है। फिर 2 में अगर हम 14 करते हैं, सॉरी 2 में अगर हम 11 करते हैं तो क्या मिलेगा 13, और 13 एम की कोडिंग होती है। 9 में हम क्या करेंगे 10 करेंगे तो 19 की कोडिंग हो गई। 12 में 11 करेंगे, सॉरी 12 में 9 करेंगे तो 21 मिलेगा, और 5 में 8 करेंगे तो 13 मिलेगा। इस तरीके से आपने देखा कि एक एक ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, टी की होगी 20, यू की होगी 21, 13, 15 एंड आर की 18। सबसे फर्स्ट में हमने ऐड किया 13, फिर ऐड किया 12, 11, 10 एंड 9, ठीक है, सेम आपने करना है। 20 में 13 ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा 33, है ना, और 33 में से 26 अगर आप निकाल देते हैं, 33 में से 26 निकालते हैं तो क्या बचता है 7 बचता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 7 की कोडिंग जी। फिर 21 में 12 ऐड करो तो क्या मिल जाएगा 33, है ना, 33, और 33 में से फिर से अगर आप 26 निकालते हैं तो 7, और 7 की कोडिंग क्या होती है जी होती है। 13 + 11 क्या मिलेगा आपको 24, और 24 की कोडिंग होती है एक्स। 15 में 10 ऐड करेंगे 25, और 25 की कोडिंग होती है वाई। 18 में +9 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 27, है ना, 27, और 27 की कोडिंग क्या हो जाएगी ए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जी जी एक्स वाई ए, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका, ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा जी जी एक्स वाई ए। आई होप आपको ये टोटल 10 क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।